अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। जब से सत्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है, अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। और अगर उसने कहीं कोई गुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपोती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया सागृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे, ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई पिताई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था पूछना चाहिए इनसे, थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। क्या एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी, उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोष बोलते हैं उसको? कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, क्या ये सही था? क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे, क्या ये सच सही था? क्या
चुका है, इनके कृत्य क्या है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है, क्योंकि ये लोग जब से सत्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे, व्यापारियों को लूटते थे, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, दबंगई के बल पर गरीबों की जमीनों को कब्जा करते थे। याद करिए, जब मार्च 17 में सरकार बनी थी और सरकार बनते ही मैंने कहा था अगर किसी भूमाफिया ने किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर ले। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी माफिया ने किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी अन्नदाता किसान की, किसी व्यापारी की जमीन पर कब्जा किया है, वे कृपया एक बार खाली कर ले। अगर खाली नहीं किया तो जो उसकी भी होगी उसको भी हम जब्त करके गरीब में बंटवाने का काम कर देंगे। मैं फिर कहूंगा ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। कानून का राज हो, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर कोई कानून को ठेगा दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्साहस का जवाब देगी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।